बता तो रहे हैं कि अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने खुद कहा, यानी आप शायद आपने सुना नहीं कि अब परसों जब से हमने कार्यक्रम शुरू किया तो अभी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब ब्राह्मण ब्राह्मण करेंगे दिखावे का, और उनका ये नाटक, उनका ये दिखावा उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने अच्छी तरह से पहले भी देखा है और अभी भी देख रहे हैं। क्या लगता है सर, जिस तरीके से अंबेडकर नगर बसपा का भेद मिला रहा पहले, बीच में इधर टूटा है, फिर क्या वो पुरानी स्थिति में आ पाएगा बसपा अंबेडकर नगर में? देखिए, अंबेडकर नगर की खास बात आप ये जान लीजिए, अंबेडकर नगर जो है किसने बनाया ये आपको मालूम है, बहन मायावती जी, और ये जिला किसने दिया, बहन मायावती जी ने दिया। बहन मायावती जी यहाँ से दो बार सांसद रही है और आज के आज भी उत्तर प्रदेश में जितना काम अंबेडकर नगर में हुआ है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने का हो, चाहे वो कृषि विद्यालय बनाने का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का हो, चाहे वो फ्लाई ओवर्स यहाँ के हो, वो सब के सब बहन मायावती जी की देन है। उन्होंने बीएसपी की सरकार के दौरान में उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये काम किए थे। तो अंबेडकर नगर जब जिस दिन दोबारा सरकार बनेगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो इन्होंने इस शहर को नुकसान पहुंचाया है, पहले समाजवादी पार्टी ने और फिर भारतीय जनता पार्टी ने, वो सारी चीज़ें दुरुस्त करी जाएंगी और अंबेडकर नगर को एक और अच्छे स्वरूप में समग्र विकास किया जाएगा। यूपी में कितनी सीटों पर जीतने का कितनी सीटों पर देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार इतनी सीटों के साथ बनेगी जितने हम लोग, जिस तरह से ब्राह्मण समाज का उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ब्राह्मण समाज के अंदर ऊर्जा है और बहुजन समाज पार्टी के साथ में जिले जिले में जुड़ रहे हैं, तो उससे ये साफ हो गया है कि अब की बार हम लोग पूर्ण बहुमत ही नहीं, बहुत ज्यादा बहुमत के साथ में सरकार। अभी भारत में सर्वे चल रहा है, इसमें 300 सीटों के साथ भाजपा रिपीट कर रही है। क्या चीज? 300 सीटों के साथ। देखिए, अभी तो आप रिपब्लिक टीवी किसका है या क्या है ये सब मैं नहीं जाता, लेकिन जिस टीवी में नाम नहीं लेता हूँ टीवी का, अभी तो आपको 300 दिखा रहे हैं, 300 दिखा रहे हैं, तो उनसे पूछे 330 थे तो 300 कैसे पहुँच गए? अभी आप थोड़ा और समय निकलने दीजिए, वो 430 दिखाएंगे, 420 हो सकता है, 420 भी दिखा दें तो वो कहेंगे कि हम 420 सीटें जीतेंगे। तो इसलिए इसमें गिनतियों का आंकड़ा अब जब लगाने लगे हैं तो इसके मतलब उनकी गद्दी हिलने लगी। एक आखिरी सवाल, बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।